नमस्कार दोस्तों, जब आपको पता चले कि कोई 3000 का लोन ले और भारी भरकम ब्याज के साथ समय से एक दिन पहले उसे चुकाने को बोला जाए तो क्या होगा? पेमेंट कर, ज्यादा बात मत कर, पेमेंट कर। फर्जी लोन के नाम पर लूटने वाले एप्स के मामले में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैंने तो बस एक ऐप डाउनलोड किया था। मेरा मुंह चुप कर, तू पेमेंट करेगा ना? ये हमें गुंडों की तरह धमकाते थे। मेरा भाई, उसने आत्महत्या कर ली। जून 2022 में मुंबई की एक 22 वर्षीय महिला ने लोन ऐप से 3000 रुपए कर्ज लिए थे। प्ले स्टोर से इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप करके बहुत सारे ऐप हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो 22 वर्षीय महिला ने लोन ऐप से 3000 रुपए कर्ज लिए थे लेकिन समय पर चुका नहीं पाई, कुछ दिनों बाद ही महिला की न्यूड तस्वीरें उसके रिश्तेदार के फोन नंबर पर भेजे जाने लगी। फिलहाल की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। 13 जुलाई भोपाल के भूपेंद्र विश्वकर्मा अपने दो बच्चों का जहर देने के बाद पत्नी के साथ फांसी के फंदे से झूल गया। अपने 4 पन्नों के सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से कर्ज लेने का जिक्र किया। भारत में इन दिनों महज कुछ मिनट में लोन देने वाले ऐप का बिजनेस खूब फल फूल रहा है। इन्हीं ऐप को इंस्टेंट लोन ऐप कहते हैं। ये लोन देने वाले ऐप बिना किसी KYC डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बिना लोन एग्रीमेंट के ही हर किसी को लोन दे रहे हैं। 2022 में गूगल ने भारत के 3500 इंस्टेंट लोन ऐप को प्ले स्टोर से हटाया, यह कहते हुए कि ये रूल को अपने बैंक के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद प्ले स्टोर पर अभी भी सैकड़ों इंस्टेंट लोन ऐप एक्टिव हैं जो आए दिन लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। इंस्टेंट लोन ऐप कैसे काम करती है, आइए हम समझते हैं। कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में इन लोन देने वाले किसी ऐप्स को इंस्टॉल करता है। आप इंस्टॉल के बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, ये ऐप आपसे गैलरी, कॉन्टेक्ट, लोकेशन आदि के एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, जो कि यूजर को अक्सर देना पड़ता है और बिना दिए आप ऐप को खोल ही नहीं सकते। कई बार ये ऐप यूजर के फोन में बिना उसकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप्स या मेलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और इसके जरिए यूजर की निजी जानकारियां चुरा लेते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने में होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जितने भी ये सब सुन रहे हैं, ये वही ऐप का कमाल है। वही ऐप किसी आदमी को बर्बाद करने का जरिया है जो आपको मैं बता रहा हूँ। इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप ये तुरंत के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते, बल्कि 60-70%, जी हाँ दोस्तों, 60-70% ही यूजर के खाते में ट्रांसफर करता है। मान लीजिए किसी ने 6000 रुपये का लोन लिया तो उसके खाते में ये इंस्टेंट लोन ऐप मात्र 3200 ही ट्रांसफर करते हैं और बाकी के 2800 अलग चार्जेज के नाम पे वो रख लेते हैं। और उनका टाइम पीरियड क्या होता है, मात्र 7 दिन। 6 दिन में ही आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे, आपको धमकियां देंगे, आपको कॉल पे कॉल करेंगे, आपको व्हाट्सएप में मैसेजेस करेंगे और गंदी गंदी बातें भी लिखेंगे। आपके फ़ोटो को एडिट करके आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के पास यानी आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उस सभी के पास सेंड कर देंगे। जी हाँ दोस्त, सोचिए आप, एक तो आपका पहले पैसा कम दिया, दूसरी कि ये 6 दिन में ही, अगर टाइम पीरियड 7 दिन का है तो ये 6 दिन में ही आपसे पैसा लेना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि उसको 6 दिन में ही उसको पूरा पैसा चाहिए। आपने लिया था 6000 लोन, आपके अकाउंट में आया 3200 रुपया, टाइम पीरियड 7 दिन, लेकिन 1 दिन पहले ही आपसे 6000 रुपया जमा करने को बोला जाएगा। उसमें भी आपको टाइम भी दिया जाएगा कि 11 बजे के पहले करो, 12 बजे के पहले करो, दिन में, रात में नहीं। रात में तो दिन चेंज होगा ही, लेकिन नहीं, ये दिन सुबह में, और आपको 8 बजे सुबह से ही कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने लगेंगे। हाँ, इसके पास आपका क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ये सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड और आपका एक सेल्फी और एक पैन कार्ड, बाकी इनको कुछ नहीं है। और इनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने में करते हैं। मेन रूप से जो आप सेल्फी देते हैं, यही फ़ोटो का एडिट करके गलत कामों में, मतलब आपको ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास जाता कैसे है, तो मैं आपको पहले भी बताया कि जैसे आप कोई ऐप लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और जैसे आप ओपन करना चाहते हैं तो आपसे परमिशन मांगता है। आप जैसे ही परमिशन देते हैं, आपका कॉन्टेक्ट का जितने भी नंबर हैं वो सभी अपने सिस्टम में वो रख लेता है। आपका गैलरी का भी एक्सेस करता है, लेकिन गैलरी
का फोटो वीडियो में ज़्यादा MB मतलब ज़्यादा साइज में होने के कारण वो उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन आने वाले समय में वो आपके फोटो वीडियो के साथ भी गलत कर सकता है। मतलब आप सोच लीजिए कि आप क्या किए, बस इतना गलती किए एक ऐप से आपको ज़रूरत पड़ने पे उससे उधार लिए, उसमें भी आपको लोभ क्या देगा, जब जैसे ही ऐप आप इंस्टॉल करके जैसे ही उसका इंटरफेस देखेंगे तो आपको शो करेगा 50,000 रुपया, इंटरेस्ट रेट 0.5%, टेनर 365 डेज मतलब एक साल, और जैसे ही आप इंटर करते जाएंगे आपका सब कुछ घटते जाएगा, टेनर घटते जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा, और एट लास्ट क्या होगा जो मैं आपको बता दिया अब तक में। तो अब इसके बचने का उपाय क्या है, ये कैसे जाने कि ये फ्रॉड है और ये सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी ऐप हैं, इसका जो कहा जाता है ना एक बीमारी का एक सिम्टम्स, तो हमने आपको पूरा सिम्टम्स बता दिया इस ऐप का, जो पूरा सिम्टम्स है कि जैसे ही आपको आगे कुछ और बोले और बाद में कुछ और आपको दे रहा हो, जैसे कि अब वो ये 50,000 का ये दिखाया कि 50,000 आपको लोन देगा और इंटरेस्ट रेट 0.005% है और टेनर है यानी समय है 365 दिन का, लेकिन जैसे ही आप उसमें इंटर करेंगे आपको 7 दिन का टाइम देगा, 6,000 रुपया आप वो सेंक्शन करेगा जिसमें से आपके अकाउंट में सिर्फ 3200 रुपया देगा और 2800 रुपया खुद रख लेगा चार्जेस के नाम पे, उसके बाद वो 7 दिन का ही 7 दिन में ही आपसे पैसा मांगना स्टार्ट कर देगा। तो समझ जाइए दोस्तों, ये सबसे पहले फ्रॉड है, ये फ्रॉड ऐप है, और इससे चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो कभी भी पैसा मत लेना दोस्तों, क्योंकि मैं भी इसके चक्कर में बर्बाद हो चुका हूँ दोस्तों। मैं भी एक बार गलती से इसके लोन के चक्कर में पड़ा और मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ दोस्तों, फिर भी मैं अपने आप को किसी तरह संभाला, क्योंकि गलती मेरे साथ हुआ था तो मैं उस चीज़ को अपने अंदर में ही दबा के रखा, लेकिन ये आपको पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा दोस्त। मैं आपको एक न्यूज़ स्टार्टिंग में बताया था जो कि अपने परिवार, अपने बीवी बच्चा सभी के को ख़त्म कर लिया इस ऐप के चक्कर में, इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में। इससे बचने का उपाय यही है दोस्तों कि सबसे पहले ऐसे ऐप को वो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें, आपको कितना भी ज़रूरी हो आप इसके द्वारा पैसा कभी भी मत लें दोस्तों, और अगर आप गलती से ले भी लेते हैं तो जितना जल्दी उसको चुकाकर इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दें। आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि RBI के रूल के अनुसार, नियम के अनुसार लोन वही दे सकता है जो NBFC से रजिस्टर्ड हो। तो NBFC एक मानक होता है, उसके नियम के तहत किसी को पैसा देना या लोन देना, कर्ज देना होता है, लेकिन ये सब ऐप इसका कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको आज यही बताया इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में, जो ऐप हमारे देश को, सिर्फ निजी ज़िंदगी को नहीं, ये हमारे देश के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होने वाला है सर दोस्तों। इसकी शुरुआत पहले चाइना में हुई थी, ये जितने भी ऐप हैं चाइना से ही हैंडल किए जाते हैं, चाइना में बहुत तबाही मचाया, फिर वहाँ के सरकार ने इसे 2 साल का टाइम दिया और पूरा इसे बंद करने को कहा, फिर जैसे उधर बंद हुआ फिर ये भारत में दस्तक दिया। कब? आपको पता होना चाहिए कि गलत समय कब आया, जब कोरोना अंदर आया, मीन्स जब कोरोना हमारे पूरे देश में, समाज में फैला, तभी इस तरह के गलत गलत ऐप, गलत गलत तरीके सब हमारे समाज में आने लगे, तभी से इस ऐप ने हमारे देश में पैर पसारा और ना जाने कितने जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है दोस्तों। ये ऐप से जितना दूर रहें उतना अच्छा होगा दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ है ये आपको इंडिया के नंबर से कॉल नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ तक कि व्हाट्सएप में कॉल करेगा, डायरेक्ट कॉल भी नहीं करेगा, ये सभी फॉरेन नंबर से कॉल करेगा जिसका +2 +3 जो कि भारत का कोड नहीं है दोस्तों, भारत का है +9 +91। आप कोई भी आपको कॉल करता होगा तो आपको +91 करके नंबर स्टार्टिंग में आता होगा, ये भारत का कोड है, इसको ISD कोड बोलते हैं, लेकिन ये फॉरेन नंबर से, कभी नाइजीरिया के नंबर से, कभी अफ्रीकन नंबर से, कभी ऑस्ट्रेलियन नंबर से, मतलब कि तरह तरह के नंबर से, अलग तरह तरह के देश, अलग अलग देश के नंबर से आपको कॉल करके आपको हैरेस करेंगे दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा ज़्यादा अवेयर हो इस ऐप, और अपने दोस्तों अपने परिवारों को भी अवेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये हमारे निजी ज़िंदगी में तबाही लाने के लिए ये 6 दिन ही काफ़ी हो जाते हैं दोस्तों। मतलब इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप आपको पैसा तो देगा, लेकिन जितने दिन का टेनर दिया है, जितने दिन का समय दिया है, वो समय में ही आपका पैसा तो दूर की बात, आपके जान, आपका इज्जत, आपका प्रतिष्ठा सब खत्म कर देगा दोस्तों। ये सीधा और साफ शब्दों में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और इस पे एक वेब सीरीज भी बना है जो कि Discovery Plus पे रिलीज हुआ है, मनी माफिया का, देख सकते हैं दोस्तों।
और नेट पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब में भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया ये मेरे साथ खुद घट चुकी है दोस्तों, और मैंने आज जैसे ही न्यूज़ में एक पढ़ा इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि मैं आपको शेयर करूँ कि ये कितना ही ज़्यादा खतरनाक है हम सभी के लिए, मतलब कि हमारे मजबूरियों का किस तरह से ये फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। बी वेयर, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए चीज़ के साथ। मैं वही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों जो कि मुझे लगता है कि बनाना चाहिए, और हमारे बनाने से मुझे तो अच्छा लगता ही है, और मेरे साथ साथ अगर एक आदमी को भी मेरा वीडियो पसंद आए और मेरे वीडियो से उसको कुछ सीख मिले तो मुझे बहुत खुशी होगा दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।